हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए पनीर की बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ, जिसमें कि इसके लिए क्या क्या मेन सामान हम लोग यूज़ करेंगे उसका मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले चीज़ तो चूँकि पनीर है, पनीर की सब्ज़ी, इसलिए पनीर लिया मैंने। ये 300 ग्राम पनीर है। छोटी छोटी प्याजें हैं, इसलिए ये 4 प्याजें। आप मीडियम साइज़ की लें अगर तो 2 लें, और बड़ी लें तो 1 लें। 2 टमाटर हैं बड़े साइज़ के। अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरी मिर्च है, और बटर है। इसमें से थोड़ा थोड़ा मुझे डालना है, जितना डालना है मैं बनाते टाइम बताऊंगी आप लोगों को। और कुछ मसाले हैं, जिसमें से आधा चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर है। कुछ खड़े गरम मसाले हैं, जिसमें से ये तेज़पत्ता है, 2 4-5 लौंग है, 1 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची है, और छोटे छोटे 2-3 टुकड़े दालचीनी के हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं बनाना, देखते हैं और क्या क्या इसमें ऐड होता है बनाते टाइम। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी कैसी है। अगर आपको पसंद आएगी तो मुझे ज़रूर से बताइएगा, लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। कोशिश रहती है मेरी कि आसान से आसान तरीके से आप लोगों को रेसिपी दूँ। अगर आपको अच्छी लगती हो तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। पनीर के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, पैन गर्म हो चुका है। अब इसमें सरसों का तेल मैं डाल रही हूँ। आप जो भी तेल यूज़ करते हैं, जो भी ऑयल यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग तिल का तेल डालते हैं, बहुत सारे लोग ऑलिव ऑयल डालते हैं, नारियल का तेल डालते हैं, बट सब्ज़ी तो मुझे सरसों के तेल में ही बहुत अच्छी लगती है और फ़ायदा भी करता है। ये जो प्याज ली थी मैंने, इसको चॉपर में डाल दिया है। अच्छे से चॉप करने से जो टेस्ट आता है वो पीस कर नहीं आता है, इसलिए मैंने इसको चॉप किया है। आप भी चॉप कीजिए, फिर उसके बाद फ्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है उसकी। हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। पनीर हल्का सा फ्राई हो चुका है, इसको ज़्यादा फ्राई करना नहीं है हमें। तो अब इसमें सारे पनीर के पीसेस निकाल लेंगे, ताकि बाकी के मसालों को हम लोग फ्राई कर सकें अच्छे से। ये जो टमाटर मैंने 2 लिया था बड़ा बड़ा, उसकी बहुत ही फाइन पेस्ट बना लिया मैंने, जो बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है टमाटर की। इससे कलर भी सब्ज़ी का बहुत अच्छा हो जाएगा और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आ जाएगा। ये जो सारे गरम मसाले मैंने खड़े लिए थे, ये अब ये पनीर निकालने के बाद जो तेल बचा है उसके अंदर डाल देंगे। गरम मसाला डालने के बाद 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। गरम मसाला डालकर 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, इसको बहुत ही अच्छे से भून लेंगे ताकि लहसुन की महक सारी निकल जाए। लहसुन की महक कच्ची कच्ची आती है तो अच्छा नहीं लगता है। अब लहसुन अदरक अच्छे से भून गया है, तो अब इसमें हम लोग ने चॉप जो किया था प्याज को, वो ऐड कर देंगे, उसको हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। गोल्डन करने से खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। आप इस तरह से बना कर देखिए एक बार पनीर की सब्ज़ी, बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट आपको लगेगा, बहुत ही ज़्यादा यमी लगेगी। बच्चे पनीर वैसे भी बहुत शौक से खाते हैं। मेरी हल्की सी गुलाबी होने लगी है। अब बाकी के मसाले इसमें हम लोग ऐड करेंगे, जो कि पहले से निकाल के रखा हुआ है। आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्चा, आधा चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच धनिया पाउडर है। इसे पानी नहीं ऐड करेंगे अभी हम लोग, क्योंकि अभी टोमेटो की प्यूरी जो डालेंगे उससे अच्छा खासा बन जाएगा थोड़ा मसाला ग्रेवी वाला, तो पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में ज़रूरत होगी फिर देखते हैं। अब ये देखिए सारा मसाला जो है ऑयल से सेपरेट होने लगा है, इसका मतलब हम लोग का मसाला करीब करीब भुनने के कगार पे आ चुका है। यही निशानी होती है मसाला भुनने की तेल अलग हो जाता है मसालों से, और अगर आपका तेल अलग नहीं हुआ है मसाले से तो यानी कि आपका मसाला कच्चा है और सब्ज़ी का टेस्ट पूरा बिगड़ जाता है उससे।
अब ये टोमेटो की प्यूरी हम इसमें डाल देंगे पूरी। देखिए टमाटर डालने के साथ ही इसका कलर कितना प्यारा हो गया है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब मसाला तकरीबन भून चुका है, देखिए बहुत ही अच्छा कलर भी आ चुका है और सारा ऑयल दिखाई दे रहा है अलग मसालों से। तब इसमें इस स्टेज पे हम लोग नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, मेरा जितना पनीर है मैं उसी हिसाब से डाल रही हूँ। तो तेज़ आंच पे जल्दी जल्दी हाथ चला के अच्छे से भून लेते हैं। बहुत ही जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है, झटपट बनकर तैयार हो जाती है। अगर आप मैंने रखी थी इनको बीच में जो सीधा कट कर दिया है थोड़ा थोड़ा, अब इसको हम लोग मैं इसको ऐसे डाल दूंगी इसमें ताकि हरी मिर्च का जो टेस्ट होता है, खुशबू होती है अच्छी वाली, वो मसाले में आ जाए। एक कप मैं पानी डाल रही हूँ, मेरा कप बहुत छोटा है इसलिए आप देख लीजिएगा कितना पानी है, 200 ग्राम पानी ये होगा। और 200 ग्राम पानी इसमें डालेंगे क्योंकि इसमें जब पनीर डालेंगे तो पनीर सारा मसाला एब्जॉर्ब कर ले। अगर एकदम ड्राई मसाला रख के पनीर डालेंगे तो मसाला एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा पनीर और पनीर में कोई भी टेस्ट नहीं आएगा। तो अब हम लोग इस पनीर के सारे पीसेस इसमें डाल देते हैं और फ्लेम को स्लो करके 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट के लिए। पाँच मिनट के लिए ढककर फ्लेम को स्लो कर लेंगे। 5 मिनट हो चुका है, सब्ज़ी बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुकी है, पनीर ने सारे मसाले एब्जॉर्ब कर लिए हैं। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा और वेट करेंगे और कसूरी मेथी जो है थोड़ा सा रोस्ट करके रखा हुआ है मैंने, उसको हाथ से रगड़ के डाल लेंगे। इससे खुशबू बहुत ही अच्छी हो जाती है और थोड़ा सा और हेल्दी बनाने के लिए हम लोग इसमें 1/2 कप दूध ऐड करेंगे। अगर आपके पास क्रीम हो तो आप क्रीम भी डाल सकते हैं, वरना आप थोड़ा सा दूध डालिए तो उससे टेस्ट और ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है इसका। और ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, 1/2 कप से भी कम है। थोड़ी सी बलाई थी मेरे पास तो मैंने बलाई को अच्छे से फेंट लिया और डाल रही हूँ। आपके पास क्रीम हो तो क्रीम डाल दीजिए, वरना आप दूध भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा इससे टेस्ट। अब लास्ट इंग्रेडिएंट बचा है इसका, बटर। बटर से इसकी खुशबू और टेस्ट दोनों बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा और हमारी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। ये टेस्ट बहुत ही अच्छा और देखने में भी बहुत ही यमी लग रहा है, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। है ना इजी, बहुत ही इजी बनने वाली और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी। तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी।